जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण और शानदार सेशन में। फ्रेंड्स, आपने देखा था कि अभी हाल ही में खबरों में रहा था नोबेल पीस प्राइज 2023। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ ये एक मुद्दा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में, यानी नोबेल प्राइज 2023 के बारे में ही बात करेंगे और समझेंगे कि नोबेल पुरस्कार क्या होता है, ये किसके द्वारा दिया जाता है और ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। ऐसे तमाम सभी प्रश्नों को यहाँ पर टैकल करेंगे। ओवरऑल क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स, वन डे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्लास काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है। तो आप क्लास में लगातार कंसंट्रेशन बना करके और चीज़ों को बड़े ध्यान से ज़रूर पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँचती रहे। तो आइए क्लास की फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग जान लेंगे नोबेल पुरस्कार क्या होता है इसी के बारे में, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में ही जानेंगे। आपको मैं बता दूं कि स्वीडिश एक वैज्ञानिक थे और प्रसिद्ध केमिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, और इन्हीं की याद में ये जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसका स्टैंड कुछ ऐसे है कि 1833 में स्वीडन में एक वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म होता है 1833 में, और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारे इन्वेंशंस को अंजाम दिए, लेकिन एक 1867 में, ठीक है, इन्होंने एक डायनामाइट की खोज की जिसके वजह से इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। डायनामाइट, जिसको हम कई बार बारूद भी कह लेते हैं, तो 1867 में इन्होंने डायनामाइट की खोज की। उसके बाद बहुत सारी प्रसिद्धियाँ इन्होंने बटोरी उसके माध्यम से। 1896 में इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपने मृत्यु से ठीक एक वर्ष पूर्व यानी 1895 में इन्होंने एक वसीयतनामा दिया, और इस वसीयतनामा के अनुसार इनकी इच्छा थी कि मानव जाति के कल्याण के लिए जो भी मनुष्य उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं उनको पुरस्कृत किया जाए प्रतिवर्ष। बस यही कारण था कि इन्होंने अपना जो पूरे जीवन काल में संपत्ति अर्जित की थी उसको एक स्वीडिश बैंक में जो है जमा कर दिया, और उसके द्वारा प्रतिवर्ष मिलने वाले ब्याज के माध्यम से जो भी मानव जाति के कल्याण के लिए जो उत्कृष्ट योगदान देने वाले मनुष्य हैं उनको प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। तो वर्ष 1900 में एक नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई तथा 5 क्षेत्रों में, तब आज आप जानते हैं कि वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन तब 5 क्षेत्रों में ही नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। हालांकि पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिए गए थे और 5 क्षेत्रों में दिए गए थे, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार जो है वो पुरस्कार राशि इसमें आज वर्तमान में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता है, और ये वर्तमान में आज कुल 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा तथा अर्थशास्त्र में। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत 1968 से हुई थी और पहली बार यह पुरस्कार 1969 में दिया गया था, ठीक है। एक बात खास तौर पर आप और याद रखिएगा, जो 6 तरह के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें जो शांति नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है, अन्य सभी जो भी पुरस्कार हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। कुछ और बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो नोबेल पुरस्कार है वो अधिकतम किसी एक क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, ठीक है, 3 से अधिक व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अच्छा, 3 से अधिक कोई संगठन है तो केवल शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, तो यह भी बात याद रखिएगा। हालांकि मोटे तौर पर आप यही याद रखिएगा कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, बाकी सभी स्वीडन में दिए जाते हैं, और एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ नोबेल पुरस्कार के बारे में इन्फॉर्मेशन थी जिसको हम लोगों ने जान लिया। अब नोबेल पुरस्कार 2023 में कौन विजेता रहे हैं, किस क्षेत्र में, इस बात को आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आज वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शांति और साहित्य नोबेल पुरस्कार और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा जाता है। तो इन सभी में, हालांकि सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन सभी में ज़्यादा प्रिफ्रेंस आप शांति और साहित्य के पुरस्कारों को जरूर ध्यान दीजिए और बिल्कुल कंसंट्रेट करके इसको दिमाग में बैठाइए, ठीक है। शांति के क्षेत्र में इस बार नोबेल पुरस्कार जो है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ये ईरान की सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ठीक है, और ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने काफ़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है तथा मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए आवाज़ भी बुलंद की है, और यही कारण है कि शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। नाम है नरगिस
मोहम्मदी, और ये बिलोंग करती हैं ईरान से। ठीक है, ईरान के बारे में आप बहुत हाल ही में मैंने आपको बताया था कि ईरान अभी हाल ही में SCO का 9वां सदस्य बना था, और ईरान की राजधानी है तेहरान और मुद्रा यहाँ की रियाल है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्षेत्र है साहित्य का क्षेत्र, और इसमें इस बार के विजेता कौन बने हैं, तो जॉन फॉन्से बने हैं। ये नॉर्वे सरकार की तरफ से, मतलब नॉर्वे के निवासी हैं, और यहाँ मतलब साहित्य के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। कारण क्या था कि जो है अभिनव नाटकों और गद्य के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। मानवीय भावनाओं को काफ़ी सरल शब्दों में व्यक्त करने में सक्षम है, इसीलिए इनको अनकही आवाज़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नॉर्वे के ये रहने वाले हैं, नाम है जॉन फॉन्से। नॉर्वे के बारे में आप जानते ही हैं। नॉर्वे के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, नॉर्वे को आधी रात में सूर्य दिखाई देने वाला देश कहा जाता है, और जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें टॉप पर यही नॉर्वे है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में दो लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था, हंगरी की निवासी हैं कैटलिन कारिको, और अमेरिकी निवासी हैं ड्रू वीसमैन, इनको दिया गया है। ठीक है, कारण क्या था कि फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान में इन्होंने योगदान दिया है, और mRNA में न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भौतिकी के क्षेत्र में, तो भौतिकी के क्षेत्र में ये दो लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, तीन लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। एक पियरे एगोस्टिनी, ये USA के हैं, फेरेंक क्रूज, ये जर्मनी के हैं, और NEL हुइलियर, ये स्वीडन के हैं। तो इन तीन लोगों को पुरस्कार दिया गया है। पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की तीव्रता की गतिशीलता के अध्ययन में इन्होंने आसानी लाने के लिए जो है कि एंटोसेकेंड पल्स के विकास को आगे बढ़ाया, यानी जन्म दिया है, विकसित किया है। यही कारण है कि इनको फिजियोलॉजी यानी भौतिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। तीन लोग हैं, नाम याद रखिएगा। नाम याद रखने के लिए इनका जो फर्स्ट की पॉइंट है उसी को याद रखिए, पियरे फ्रेंक और NEL हुइलियर। ठीक है, ऐसे आगे रसायन के क्षेत्र में देख लें तो मोंगी जी बावेंडी जो कि USA के हैं, इनको दिया गया है। लुइस ब्रूस, ये भी USA के हैं, और एलेक्सी आई एकी मऊ को दिया गया है। ये तीनों लोग USA के ही हैं। काम क्या था कि क्वांटम डॉट्स की खोज तथा संश्लेषण के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। अर्थशास्त्र का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देख लेते हैं। तो ये अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अर्थशास्त्र के प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डेन को ये पुरस्कार दिया गया है। श्रम के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी, श्रम बाजार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन्होंने। नाम है इनका क्लाउडिया गोल्डेन, और अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये अर्थशास्त्र के विभाग के प्रोफेसर भी हैं। तो ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, अब नोबेल पुरस्कार में भारतीयों का क्या रोल रहा है, यानी कौन भारतीय थे जिन्होंने पहली बार नोबेल पुरस्कार और किस वर्ष जीता, किस क्षेत्र में जीता, इसका एक बार अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में जीता था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वर्ष 1913 में अपनी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए। ठीक है, वहीं भौतिकी के क्षेत्र में देखें तो CV रमन ने वर्ष 1930 में जीता था रमन प्रभाव के लिए। ठीक है, और चूंकि हम लोग क्रम से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मदर टेरेसा ने शांति के क्षेत्र में जीता था, लेकिन इनसे भी पहले चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में हरगोविंद खुराना ने जीता था। फिर उसके बाद शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा ने जीता था 1979 में मानवीय कार्यों के लिए। ठीक है, और सबसे खास बात याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले भारतीय विजेता थे अमर्त्य सेन, इन्होंने 1998 में ये पुरस्कार जीता था। हालांकि आपने देखा था कि वर्ष 2019 में अभिजीत बनर्जी भी दूसरे भारतीय के रूप में उभर कर सामने आए थे और ये विजेता बने थे। रसायन के क्षेत्र में याद रखिएगा 2009 में V रामकृष्णन के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया था। ठीक है, तो यहाँ से की पॉइंट्स कितने, तो रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम नोबेल पुरस्कार के भारतीय विजेता हैं, 1913 में इन्होंने ये पुरस्कार जीता था अपनी पुस्तक अपनी रचना गीतांजलि के लिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में रहता है नोबेल पुरस्कार के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये थी हम लोगों की चर्चा नोबेल पुरस्कार से संबंधित। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो का फीडबैक कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। वीडियो से जुड़ी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में क्विक स्टडी ऑनलाइन इजीली टाइप करें और चैनल को ज्वाइन करें। ये कुछ अन्य सोशल मीडिया के लिंक्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके माध्यम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी ट्रेंडिंग टॉपिक्स के नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार।